हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मनु। होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी अच्छी हूँ। इस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एंड आई एम गेटिंग रेडी फॉर माय फ्लाइट टुडे। तो मैंने सोचा कि लेट्स कम अप विद अ वीडियो, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे कमेंट बॉक्स में रिलेटेड टू दी एयर इंडिया एक्सप्रेस एंड एयर इंडिया लिमिटेड क्वायरीज की। बहुत सारे लोगों का दोनों में सिलेक्शन हो गया है एंड दे आर स्टिल कन्फ्यूज विच एयरलाइंस टू चूज एंड वाई। तो मैं आपको फटाफट से क्विकली एक दे देती हूँ एग्जाम्पल कि क्यों आपको ये एयरलाइन चूज करनी चाहिए एंड वाई यू हैव टू चूज दिस एयरलाइन। तो कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट विल बी ईजी फॉर यू टू चूज विच एयरलाइन यू शुड ज्वाइन। सो गाइज, द फर्स्ट थिंग आई नीड टू टेल यू इज दैट एयर इंडिया एक्सप्रेस एंड एयर इंडिया इज बोथ द एयरलाइंस इज सेम एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज दैट जो मैंने आपको बताया था कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का बेस इज डिफरेंट, एयर इंडिया लिमिटेड का बेस इज डिफरेंट। बेस इज द प्लेस जहां से क्रू फ्लाई करता है एंड विच इज एक्चुअली अ होम फॉर अ क्रू, जहां पे क्रू को एक अपने लिए अपार्टमेंट लेना पड़ता है, बेसिकली उसका होम होता है, दैट इज कॉल्ड बेस। सो बेसिस आर डिफरेंट फॉर दीज टू स्पेसिफिक एयरलाइंस एंड देन मैनेजमेंट इज डिफरेंट फॉर दीज टू एयरलाइंस। Now, if you want to ask about the salary structure, then I will let you know in this video. And let's start with the video. Please do not skip in my video. क्योंकि बीच में अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आप मिस कर दोगे कि क्यों यहाँ पर मुझे ज्वाइन करना चाहिए, यहाँ का सैलरी क्या था, यहाँ का सैलरी क्या है एंड देन और भी कौन से पर्क्स एंड बेनिफिट हैं दोनों ही एयरलाइन। पहली चीज़ जो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैनेजमेंट है इन बोथ द एयरलाइंस का वो दोनों ही अलग अलग है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का अलग मैनेजमेंट है, एयर इंडिया लिमिटेड का अलग मैनेजमेंट है। फर्स्ट थिंग ये है। सेकेंड थिंग, अगर आपको बात की जाए बेस की, एयर लिमिटेड का बेस इज डिफरेंट, एयर इंडिया एक्सप्रेस का बेस इज डिफरेंट। नाउ अगर आप सोच रहे हो कि यू वॉन्ट टू फ्लाई फ्रॉम योर ओन सिटी, अगर आप साउथ में रहते हैं तो यू शुड चूज एयर इंडिया एक्सप्रेस, बिकॉज वो उसका पर्टिकुलर बेस है जहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी हैं। सो डोंट यू थिंक कि एयर इंडिया लिमिटेड में इंटरनेशनल है, एयर इंडिया एक्सप्रेस में नहीं है। एयर इंडिया एक्सप्रेस डज हैव इंटरनेशनल लेवर्स एज वेल, बट द थिंग इज कि जो लेवर्स हैं वो मिडल ईस्ट कंट्रीज के हैं, विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एयर इंडिया लिमिटेड। एयर इंडिया में भी मैं आऊंगी कि उसके कौन से डेस्टिनेशन है। सो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में। तो अगर आपको बेस चाहिए आपकी सिटी का तो यू कैन चूज एयर इंडिया एक्सप्रेस। अगर आपको डेस्टिनेशन अच्छे मिडिल ईस्ट के वहाँ से करने हैं तो यू शुड गो फॉर एयर इंडिया एक्सप्रेस। नाउ अगर आपको मैनेजमेंट थोड़ा सा, बिकॉज सी आई एम इन एयर एशिया इंडिया जिसका मैनेजमेंट टोटली डिफरेंट था एंड विच इज़ वेरी गुड। आई कैन कंपेयर माई मैनेजमेंट विद एनी अदर मैनेजमेंट, बहुत ही फ्रेंडली कल्चर का था। नाउ एयर इंडिया कम्स वो सर और मैडम वाला कल्चर है यहाँ पर, तो अभी वो हमारे में नहीं हुआ है, बट वी डोंट वॉन्ट इट एक्चुअली टू हैपन बिकॉज हमें बहुत आदत हो गई है ऐसे काम करने की। एंड येस, द मैनेजमेंट इज ऑल्सो डिपेंड कि आपको वहाँ पे काम करना लाइक इन्वायरमेंट कैसा है। तो एयर एशिया इंडिया वॉज अ टॉप बेस्ट एंड स्टिल वी डू नॉट वॉन्ट दैट श्योर मैडम वाला कल्चर हेयर एंड आई गेस वो आएगा भी नहीं बिकॉज वी डू हैव दिल्ली बेस। बिकॉज ये मर्जर थिंग्स बाद में हुआ था, तो फॉर अस वी आर सेफ इन दिस जोन एंड फॉर अस ऑल्सो वी आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू फिल द फॉर्म जहाँ पे हम एयर इंडिया एक्सप्रेस के बेस ले सकते हैं, साउथ के बेसिस हम लोग चूज कर सकते हैं। लाइक एयर इंडिया एक्सप्रेस सैलरी स्ट्रक्चर इज वेरी नाइस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो चुका है एंड यू आर गेटिंग $100 फॉर योर इंटरनेशनल लेवर। एंड जस्ट इमेजिन अगर आपके पास बहुत अच्छे लेवर्स हैं मंथली रोस्टर में एंड देन इट्स अ गुड पॉइंट, आप बहुत अच्छा सैलरी लाइक ले सकते हो, एयर इंडिया एक्सप्रेस उठा सकते हो एंड सैलरी इज सेम लाइक एयर इंडिया लिमिटेड। सो द बोथ द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपनीज आर एक्चुअली सेम, लमसम दोनों का सेम है, दिस नो सच डिफरेंस एक्सेप्ट दी इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ड्रेसेज, यू नो यूनिफॉर्म्स अभी चेंज होने वाला है, कंप्लीट चेंज नहीं हुआ है बट स्टिल इज गोइंग टू चेंज सुपर सून, मे बी दिस इज अक्टूबर दे आर गोइंग टू रिलीज देयर यूनिफॉर्म्स। तो यूनिफॉर्म्स आपको पता है कि एयर इंडिया एक्स का, एयर इंडिया एक्सप्रेस का इज डिफरेंट एंड देन एयर इंडिया लिमिटेड एंड विस्तारा का डिफरेंट होगा। नेशन, सो डेस्टिनेशन वी डू हैव इज शारजहाँ, दुबई, जिद्दा और भी बहुत सारे ऐसे, मुझे सारे तो नहीं पता बट आई विल राइट हेयर ऑल्सो, तो आपको पता होगा कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का डेस्टिनेशन क्या है। देन एयर इंडिया एक्सप्रेस में हाउ मच यू कैन अर्न, ये भी मैं यहाँ पर स्लाइड्स में दिखाती रहूँगी आपको ताकि आपको आइडिया हो जाओ। नाउ कम टू दी एयर इंडिया लिमिटेड के पार्ट में। नाउ एयर इंडिया लिमिटेड इज बेस दे हैव इज मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, नॉट श्योर अबाउट चेन्नई। एयर इंडिया लिमिटेड डज हैव अ वेरी गुड डेस्टिनेशन among US, if you want to explore more in international, you should join Air India Limited. Air India Limited ka salary structure is also very nice. I can't compare it with the Air India Express,
बिकॉज सी सैलरी स्ट्रक्चर इज ऑफ बोथ देयर लाइंस इज स्टिल सेम, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा ऊपर नीचे. लाइक अगर आप जब फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप यहाँ को यहाँ पर आपको 20,000 मिल रहे हैं तो यहाँ पर आपको लाइक 18,000-19,000 मिलेंगे, तो डिफरेंस ऑफ 1,000 और 2,000 का डिफरेंस आएगा. आई कैन नॉट टेल दी सैलरी एग्जैक्टली बिकॉज दिस इज नॉट अलाउड एज एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी. मैं एकदम आपको एग्जैक्ट सैलरी नहीं बता सकती हूँ, बट इज आई कैन हेल्प यू विद दी बेसिक, देन एच आर ए, देन योर लेबर का अमाउंट एंड एवरीथिंग. तो आप एक को एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है. अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिस का मैंने आपको बता दिया कि एयर इंडिया का बेसिस क्या क्या है. नाउ गाइज द फर्स्ट एंड द लास्ट मोस्ट थिंग इज दैट इफ यू आर अ फ्रेशर एंड यू वॉन्ट टू यू नो एंटर इन टू द एविएशन, डू नॉट थिंक ट्वाइस टू एंटर एनी ऑफ द एयरलाइंस. अगर आप इंडिगो में सिलेक्ट हो रहे हो, इंडिया एक्सप्रेस में हो रहे हो, एयर इंडिया में हो रहे हो, नो मैटर विच एयरलाइन यू आर एंटरिंग, जस्ट गो, होल्ड ऑन, हैव पेशेंस, लर्न न्यू थिंग्स इन द एविएशन. यू विल गेट टू नो that आप कितना बार जा सकते हैं, बिकॉज वंस यू स्टार्ट यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दैट विल ओनली हेल्प यू टू गो फर्दर विद द अदर एयरलाइंस एंड अदर एयरक्राफ्ट एज वेल. जैसे आप स्टार्ट करोगे आपको चीज़ें पता चलेंगी. तो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन टू चूज एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो और विस्तारा और एनी एयरलाइंस. सो दिस इज समथिंग यू जस्ट नीड टू एंटर एंड टू लर्न. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव अ चॉइस, इफ यू आर गेटिंग सेलेक्टेड इन बोथ द एयरलाइंस, देन आई वुड सजेस्ट यू कैन गो फॉर एयर इंडिया इफ यू वॉन्ट दीज काइंड ऑफ बेस. एंड इफ यू वॉन्ट योर बेस, इफ यू आर बिलोंग्स टू साउथ डेस्टिनेशन, देन यू कैन चूज द एयर इंडिया एक्सप्रेस. बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज सेम इन दीज एयरलाइंस एक्सेप्ट द डेस्टिनेशन एंड अ फ्यू थिंग्स अबाउट द सैलरी. सैलरी भी थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको लगेगा वहाँ पे. इफ आई टॉक अबाउट मैनेजमेंट, देन आवर मैनेजमेंट इज बेस्ट. आई मतलब आई कैन नॉट कंपेयर इट विद एयर इंडिया लिमिटेड और एयर इंडिया एक्सप्रेस, बिकॉज आर मैनेजमेंट सिस्टम वॉज सो नाइस. इट्स अ वेरी फ्रेंडली फन लविंग कल्चर, सो वी आर जस्ट लविंग इट वर्किंग हियर. एंड आई ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट टू स्विच टू एनी अदर एयरलाइन बिकॉज वी डू ऑल्सो हैव अ इंटरनेशनल लेवल. एज आई टोल्ड यू हमारा भी स्टार्ट हो चुका है. सून वी विल गेटिंग यू नो प्रमोटेड विद द इंटरनेशनल डेस्टिनेशन एज वेल. स्टिल वी हैड दैट अपॉर्चुनिटी टू फिल द फॉर्म, पर हम लोगों में से जिसने भरा था वॉलेंट्री बेस ट्रांसफर के लिए, they are going for the base stage or they will fly international soon. I hope you like my video. आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड मैं बहुत जल्दी में आई और बहुत जल्दी भाग दे रही हूँ आई गेस, बिकॉज आई एम गेटिंग लेट फॉर माई फ्लाइट. सो आई होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू एंड दिस विल बी ईजी फॉर यू टू चूज विच एयरलाइन यू शुड गो एज अ फ्रेशर और एज एन एक्सपीरियंस वट एल्स यू आर. So thank you so much for watching my video. I will come up with my next video next week. Bye bye.